हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? देन वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज क्लब। आई होप यू गाइस आर ऑल फाइन। आप अपनी मस्ती के साथ साथ खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चे लोग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का लेक्चर। आपके इंग्लिश बुक का ये पहला चैप्टर है। यूनिट वन में दो चैप्टर है और यूनिट वन का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है आइसक्रीम मैन। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आइसक्रीम मैन से हमें ये समझ में आ जाता है द पर्सन हु सेल्स आइसक्रीम, वो व्यक्ति जो आइसक्रीम बेचता है उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं। ठीक है, इस बुक में कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, चलिए उसको पहले पढ़ लेते हैं ताकि इससे ये होगा कि आपको मैं जब पोएम पढ़ाऊँगा तब आपको और भी आसानी होगी समझने में। चलिए पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये हमारी वर्ड मीनिंग, ठीक है। पहला वर्ड मीनिंग है ब्लेज। ब्लेज मीन्स क्या है? ब्राइट फ्लेम और फायर, चमकीली आंच या फिर आग कह सकते हो। ठीक है, ट्रंडलिंग मीन्स क्या होता है? मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे से चौड़े चक्के पे घूमना। ठीक है, माउंट्स मीन्स क्या होता है? हीप या पाइल, एक ही जगह पे बहुत सारा चीज भरा हुआ है। ठीक है, या फिर रखा हुआ है, हीप या पाइल उसे कहते हैं। ठीक है, चौथा वर्ड मीनिंग क्या है? फ्रॉस्टी या फीज। फ्रॉस्टी फीज मतलब क्या होता है? चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड। अगर आपने किसी भी ड्रिंक को या फिर कोको कोला पेप्सी वगैरह वगैरह जो भी ड्रिंक होते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा ठंडा कर दोगे और उसके बाद उसकी ढक्कन को खोलोगे तो उसमें से ऐसा ही साउंड निकलेगा, श इस तरह का साउंड निकलेगा, या फिर उसे बबलिंग साउंड कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वर्ड है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गेदर अराउंड या ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। गेदर अराउंड मतलब किसी चीज़ के चारों ओर जमा हो जाना। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग मतलब ही एक ही तरह का झुंड। ठीक है, अब चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले कुछ और दी हुई बातें हैं। पोएम को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। ऐसा क्या चीज़ है जो ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है, क्रीमी भी होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। वो कोई और चीज़ नहीं, आइसक्रीम है। हर किसी का मनपसंद ट्रीट होता है जो अक्सर लोग गर्मियों के सीजन में खाते हैं। क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलता है? व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। इसका आंसर है आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ऐसा ट्रीट है जो कोल्ड भी होता है, स्वीट भी होता है, क्रीमी भी होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और ऐसा भी होगा, कई कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके फेवरेट मैन आइसक्रीम मैन होते हैं। ठीक है, मेरे तो फेवरेट होते हैं गर्मियों के सीजन में, मेरे भी एक फेवरेट आइसक्रीम मैन है। ठीक है, अब चलिए पोएम को पढ़ते हैं। विन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है तो शहर की जो ईंट होती है वो धूप की किरणों के कारण गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण उसमें से हल्की हल्की आंच निकलती रहती है। ब्लेज मिस होता है ब्राइट फ्लेम। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब ये जो आइसक्रीम मैन होते हैं वो अपने छोटे से प्यारे कार्ट मतलब गाड़ी के साथ, या फिर आप ठेला कह सकते हो, जो आइसक्रीम मैन होते हैं वो अपने छोटे से गाड़ी के साथ शहर की गलियों में घूमते रहते हैं। ट्रंडलिंग मतलब मैंने आपको बताया था, ट्रंडलिंग मतलब शॉर्ट वाइड व्हील होता है। ठीक है, छोटा सा चौड़ा चक्का, छोटे से चौड़े चक्के के द्वारा वो शहर की गलियों में घूमते रहते हैं। ठीक है, आइसक्रीम मैन। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। पोएट ऐसा कहते हैं कितना अच्छा नज़ारा होता है, कितना आनंदित नज़ारा होता है जब आइसक्रीम मैन अपने छाता के नीचे आइसक्रीम के कोन को ठंडी ठंडी ब्राउन कलर व्हाइट कलर के क्रीम से आइसक्रीम कोन को भरता है। इतना भरता है कि आइसक्रीम कोन के बाहर कुछ क्रीम बाहर आ जाते हैं जिसे माउंट कहते हैं। माउंट मतलब टीला निकल आता है। आइसक्रीम इतना भरा जाता है उसमें कि आइसक्रीम कोन के बाहर टीला निकल आता है, उसी माउंट कहते हैं। बीनीथ मतलब अंडर, अंडर हिज राउंड अम्ब्रेला, इसका मतलब आइसक्रीम मैन अपने गोल छाता के नीचे है। ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट। जॉयफुल मतलब आनंदित और साइट मतलब दृश्य।
वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये तीन तरह के फ्लेवर है जो आइसक्रीम मैन अपने साथ में लेके चल रहा है, जिसके कलर ब्राउन है, वाइट है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और आइसक्रीम मैन अपने साथ साथ एक चिल ड्रिंक भी लेके चल रहा है, जिसके कलर ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है, पिंक कलर की, ये चार कलर के उसके पास ड्रिंक है। उसकी ड्रिंक पूरे बोतल में फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज है, उसके बोतल में बहुत ही चिल्ड ड्रिंक भरे हुए हैं। फ्रोस्टी फीज मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही चिल्ड ड्रिंक जिसे खोलने पर किस तरह का साउंड निकले, इस तरह का, समझे। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा है, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज। कवि ऐसा कहते कि उसका कार्ट मानो ऐसा लगता है जैसे कि गुलाब और स्वीट पी से सजा एक फ्लावर का बेड है। कैसा लगता है उसका कार्ट, जैसे कि रोजेज एंड स्वीट पीस, गुलाब और ये स्वीट पीस का मतलब होता है सुगंधित फ्लावर, स्वीट पीस का मतलब सुगंधित फ्लावर, जिसके फ्लावर से स्पेन निकलता है, उससे सजा हुआ उसका कार्ट है। ऐसा लगता है जैसे कि उसका कार्ट फ्लावर का बेड है। द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, जिस तरह से बच्चे आइसक्रीम के कार्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खियों का वो मोटा सा झुंड है, ऐसा लगता है। जिस तरह से बच्चे आइसक्रीम कार्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मधुमक्खियों का बहुत सारा मोटा सा ढेर है। तो यही था इस पोएम में, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम था जिन्हें रसेल फील्ड ने लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगा, तब तक के लिए आप इस पोएम को पढ़ो और इसके क्वेश्चन आंसर करो। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।